नमस्ते बच्चों, आज हिंदी भाषा की कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद जी की कविता पुकार कर स्वादन करेंगे और उसी तरह से अच्छी तरह से उसको व्याख्या भी करेंगे। उसके बाद उसका प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ भी देखेंगे। पहली पंक्ति है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कलरव के विमल इंदु की विशाल किरणें पाठ से ली गई है। इस कविता के रचयिता कवि शिरोमणि श्री जयशंकर जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत कविता विमल इंदु की विशाल किरणें में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। भावार्थ है इसका, कवि जयशंकर प्रसाद की कविता में ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को परिलक्षित करती है, प्रसारित करती है। ईश्वर की माया अनादि है अर्थात इसका कोई अंत नहीं है और यह अनंत काल तक हमेशा रहने वाली है। जो संसार को ईश्वर की लीला अर्थात चमत्कार दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का इस पंक्ति को देखो, इसका भावार्थ है, कविवर प्रसाद की कहते हैं कि कितना दयालु है, कितना करुणामयी है, ईश्वर के दया का फैलाव कितना है यह समुद्र देखने से ही पता चलता है। ईश्वर करुणा के सागर हैं, सागर की लहरें अनवरत ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। दूसरी पंक्तियां हैं बच्चों, स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं, जो तेरी होवे दया दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी एक कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। अब देखते हैं इसका भावा, कविवर प्रसाद जी कहते हैं कि करुणामय ईश्वर का मंदास अर्थात मुस्कान देखनी हो तो चंद्रमा की चांदनी को देखो, निहारो। ईश्वर के हंसने की ध्वनि अविरल प्रवाह करने वाली नदियों की कलकल की आवाज में सुनाई दे रही है। कवि श्रेष्ठ प्रसाद जी कहते हैं, हे दया सिंधु ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसकी सभी मनोकामनाएं यानी कि मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्रकृति के सभी रूप चंद्रमा समुद्र तथा तरंग मालाएं आदि ईश्वर का गुणगान उच्च स्वरों में करके आशा का संचार कर रहे हैं। अब आइए हम लास्ट की पंक्तियों को समझ लेते हैं एक बार। विशाल में मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीप माला, तो तारका गढ़ की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है, प्रभो प्रेममयी प्रकाश तुम हो प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली धरा बराबर जता रही है। इसका भावार्थ है बच्चों, कवि और प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान से सुनो। कहते हैं कि हे दया सिंधु ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसकी सभी मनोकामनाएं मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और ईश्वर की करुणा का मंदास मुस्कान देखनी हो तो चंद्रमा की चांदनी में देखो, प्रकृति के सभी रूप चंद्रमा समुद्र तथा तरंग मालाएं आदि ईश्वर का जयगान गा रही हैं और आशा का संचार कर रही हैं। इसके बाद बच्चों हम कुछ प्रश्न देंगे जो कि आप लिख कर लाएंगे।
प्रश्न है, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लगाना है। ईश्वर का प्रकाश विमल हिंदू की विशाल किरणों के रूप में, उसकी दया का प्रसाद सागर के रूप में, उसकी प्रशंसा के राग सागर की लहरों के गान में, ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में, ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद में। अब है दूसरा प्रश्न, कविता की रिक्त पंक्तियों की पूर्ति करो। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रहे हैं, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सा। अब आपको इसको लिखना है अच्छी तरह से, भावार्थ समझना है, फिर प्रश्न का उत्तर लिख डालना है। फिर उसके बाद आप शब्दार्थ भी देख लीजिए एक बार। शब्दार्थ क्या है देखते हैं। विमल का अर्थ है स्वच्छ, इंदु चंद्रमा, प्रसार फैलाओ, सागर समुद्र अनंत जिसका कोई अंत न हो, प्रशंसा तारीफ बड़ाई, जगत संसार दया करुणा, तरंग मालाएं लहरों के समूह, इसमें मुस्कान मंदास चंद्रिका चंद्रमा का प्रकाश चांदनी निनाद आवाज ध्वनि दयानिधि दया का भंडार ईश्वर मनोरथ अभिलाषा मन की इच्छा आशा विश्वास। तो आप अभ्यास करें बच्चों। कविता की कुछ पंक्तियों का हम गायन करेंगे। विमल इंदु की विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रही है, विमल इंदु की विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रही है, अनाति तेरी अनंत माया, अनाति जगत को लीला दिखा रही है, विमल इंदु की विशाल किरणें, तुषार तेरी दया का कितना, ना हो तो देख सागर, तुषार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे, तेरी प्रशंसा का गीत प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता।